देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर भोपाल से। बहुचर्चित प्याज घोटाले में आरोपी बनाए गए मंडी बोर्ड सागर के निलंबित उपसंचालक प्रवीण वर्मा को हाईकोर्ट से एक बार फिर झटका मिला है। निलंबन को चुनौती देते हुए वर्मा ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जो मंगलवार को खारिज हो गई। जस्टिस संजय यादव और जस्टिस अतुल श्रीधरन ने की खंडपीठ ने जब मामले की गंभीरता के चलते अपील निरस्त करने की बात कही, तो वर्मा ने अपनी अपील वापस ले ली। इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 22 जनवरी को वर्मा के निलंबन पर राहत देने से इनकार कर दिया था। वर्मा ने एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ अपील दायर की थी। गौरतलब है कि सरकार ने 27 दिसंबर 2019 को उप संचालक वर्मा को निलंबित कर दिया था। निलंबन आदेश में कहा गया कि प्रवीण वर्मा की मौजूदगी में व्यापारियों ने प्याज खरीदारी में व्यापक गड़बड़ी की और वो इसे रोकने में असफल रहे। वर्मा तब हरकत में आए जब सरकार ने जांच की एक कमेटी का गठन किया, जिसमें एक सदस्य प्रवीण भी थे। उन्होंने निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि जांच में सहयोगी और दोषी दुकानदारों को भी नोटिस दिए।